हे वॉट इज अप इंडरनेट वेलकम बैक टू द चैनल और नॉइस ने अभी रिसेंटली अपनी कल फिट प्रो थ्री असिस्ट फिटनेस वॉच लॉन्च करी थी और उसके साथ करे थे ये वी एस वन जीरो थ्री वायरस ईयरबर्ड्स ना मैंने कलफिट प्रो थ्री असिस्ट की वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दी है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा बट इस वीडियो में हम सिर्फ वी एस वन जीरो थ्री के बारे में बात करेंगे बिकॉज ये इंडिया में आते हैं पंद्रह सौ रुपये में बट द क्वेश्चन इज क्या आपको ये खरीदने चाहिए वेल well, Let's find out. Now, review, inside the box, you get the earbuds, of course. Apart from that, you also get a charging cable, some extra ear tips, some documentation, and some really cool stickers from Noise. Okay, let's talk about good things first.

ना मुझे इसमें एक और अच्छी चीज़ ये लगी कि इसमें सिलिकॉन ईयर टिप्स भी आपको देखने को मिलती है जो नॉइस के खुद के एयरबड्स और एयरबड्स प्ले जो सिमिलर प्राइस पॉइंट में आते हैं उनमें भी आपको देखने को नहीं मिलते Now, मैंने इनको मीडियम साइज ईयर टिप्स के साथ यूज़ किया बट आपको एक स्मॉल और लार्ज साइज़ भी बॉक्स में देखने को मिलता है एंड आई डिड टेक दिस आउट फॉर सम ऑफ माई वर्कआउट सेशन्स एंड टू बी ऑनेस्ट मैं बोलूँगा कि कभी कभार ये मेरे कान से नीचे गिर जाते थे सो मेक श्योर यू हैव द राइट साइज ईयर टिप्स बिफोर यू टेक दिस आउट फॉर योर वर्कआउट सेशन्स और एक और अच्छी चीज़

इसमें आपको आई पी एक्स फाइव वाटर और स्वेटर भी देखने को मिलता है विच इज़ अगेन वेरी रेयर एट दिस प्राइस पॉइंट नाउ वॉट इज़ ऑल्सो रेयर आर सम वेल इम्प्लीमेंटेड टच कंट्रोल्स एंड नॉइज़ हैज़ गॉन फुल आउट वन इट कम्स टू टच कंट्रोल्स ऑन द नॉइज वी एस वन जीरो थ्री नाउ अपार्ट फ्रॉम योर प्लेन बॉज एंड नेक्स्ट ट्रैक आउट प्रीवियस ट्रैक आप इन ईयरफोन से वॉल्यूम भी कंट्रोल कर सकते हो और अपना वॉइस असिस्टेंट भी ट्रिगर कर सकते हो एंड सरप्राइजिंगली दे वर्क रियली वेल एज वेल अगेन सुपर हैंडी इफ़ यू यूज़ दिस फॉर योर वर्किंग आउट और रनिंग नीड्स एक और अच्छी चीज़ इसके केस में आपको यू एस पी टाइप सी चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलता है अगेन सुपर कन्वीनियंट इफ यू ऑलरेडी हैव अ फोन दैट हैज़ अ एस पी टाइप सी चार्जिंग पोर्ट और केस के बारे में अगर मैं बात करूँ मुझे ओवरऑल इसका भी डिज़ाइन अच्छा लगा ना अगेन नॉइज़ ने कुछ बहुत डिफरेंट नहीं किया है बट आई लाइक द फैक्ट कि इट इज़ स्टिल पॉकेटेबल और जो इसके मैगनेट्स हैं जो लिड को होल्ड करके रखते हैं वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एंड इट जस्ट वर्क्स ना सामने की तरफ आपको एक स्मॉल बैटरी इंडिकेटर देखने को मिलता है जो आपको बताएगा कि अगर बर्ड्स या चार्जिंग केस चार्ज हो रहा है या जब आपकी बैटरी खत्म होने वाली है ना ऑनेस्टली आई वुड हैव लाइक्ट अ डेडिकेटेड पेयरिंग बटन ऑन द चार्जिंग केस बट अगेन यू कैन नॉट एक्चुअली एक्सपेक्ट दैट एट दिस प्राइस पॉइंट एंड ऑल्सो बिकॉज इसमें आपको नॉइस की हाईपरसिंग टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है ना उसे क्या होता है कि जैसे ही आप केस को ओपन करते हो यह ईयरबड्स ऑटोमेटिकली पेयरिंग मोड में चले जाते हैं एंड दे विल कनेक्ट टू द लास्ट पेयर डिवाइस ऑटोमेटिकली और उसके अलावा भी मैं बोलूँगा कनेक्टिविटी में मुझे कुछ खास ऐसे मेजर प्रॉब्लम्स देखने को नहीं मिले ऑन द नॉइस वी एस वन जीरो थ्री ओके लेट्स टॉक अबाउट द साउंड राइट बिकॉज अगर ये पंद्रह सौ के हों या पंद्रह हज़ार के हों आप साउंड के बारे में बिना जानें कोई भी ट्रू वालेस ईयरफोन्स नहीं लोगे एंड टॉकिंग बाउ द साउंड दिस इज़ वेयर यू स्टार्ट टू रियलाइज़ कि ये एक्चुअली में सिर्फ पंद्रह सौ के हैं सो so, साउंड के मामले में दिस विल नॉट ब्लो योर माइंड एट ऑल साउंड इसकी एवरेज है नॉट द बेस्ट नॉट द वर्स्ट बट इफ आई हैव टू ब्रेक डाउन द साउंड फॉर यू जो इसकी लोज हैं वो डेफिनेटली बूस्टेड है बट इट लैक्स दैट ओम फैक्टर सो यू डोंट रियली गेट दैट बेस वैन यू एक्सपेक्टेड जो हाईज हैं वो मोबाइल डिसेंट है ऑल दो कभी कभार वो स्ट्रगल करते हैं बट आई वुड स्टिल से इट्स डिसेंट बट जो मिड्स हैं वो काफी ज्यादा मफड़ लगे मुझे टू द पॉइंट समटाइम्स आपको लगेगा कि जो इसकी साउंड क्वालिटी है वो इतनी ज्यादा क्लियर नहीं है एंड ऑल्सो इतनी ज्यादा फुल नहीं है बिकॉज जो इसका साउंड सेज भी है वो भी अगेन एवरेज है सो so, जो ऑडियो सोर्स या साउंड का सोर्स है वो आपको इतना बड़ा फील नहीं होगा बिकॉज जो साउंड स्टेज है इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन है ऑन द वी एस वन जीरो थ्री अगेन इज़ वेरी एवरेज और मुझे पता है कि आपको लग रहा हो कि मैं बहुत ज़्यादा चूजी बन रहा हूँ बट आई नो अ कपल ऑफ ऑप्शन दैट कम एट रुपीज फिफ्टीन हंड्रेड और अराउंड दैट प्राइस पॉइंट दैट विल गिव यू अ मच बेटर साउंड क्वालिटी दैन द वी एस वन जीरो थ्री

एटीन आवर्स की बैटरी लाइफ देखने को मिल जाएगी ना मेरी टेस्टिंग के हिसाब से आई कोड ओनली गेट अबाउट थ्री पॉइंट फाइव आवर्स टू मैक्सिमम फोर आवर्स फ्रॉम द इयरबर्ड्स ऑल दो आई हैव टू सेव बिन यूजिंग दैम एड अबाउट एटी परसेंट वॉल्यूम कंसिस्टेंटली ना एक चीज़ जो मुझे अच्छी नहीं लगी अबाउट द नॉइस पी एस वन जीरो थ्री इज़ द लेटेंसी ना टू बी फेयर मैंने जो भी ट्रू वाले सी फोन इस चैनल पर रिव्यू करे हैं अभी तक उनमें कभी न कभार कुछ ना कुछ, कुछ लेटेंसी होती है बट यू ओनली नोटिस दैट वाई योर प्लेइंग गेम्स एंड नॉट वाई योर वॉचिंग यूट्यूब वीडियोजे वी मूवीज ऑन प्राइम वीडियो ऑन नेटफ्लिक्स एटलीस्ट ऑन योर फोन बट नॉइस वी एस वन जीरो थ्री में आपको लेटेंसी यूट्यूब वीडियोस में भी देखने को मिलती है मतलब इतनी लेटेंसी तो है कि आप एक बार नोटिस कर लोगे और अगर आप वो एक बार नोटिस कर लोगे यू देन कांट इग्नोर इट ओके लेट्स टॉक अबाउट द वर्ड इट एंड आंसर द क्वेश्चन क्या आपको नॉइस वी एस वन जीरो थ्री खुद के लिए लेनी चाहिए वेल हेर इज़ अ थिंग इसमें आपको काफ़ी अच्छा डिज़ाइन देखने को मिलता है फर्स्ट ऑफ़ ऑल यू एस पी टाइप सी चार्जिंग देखने को मिलती है वेल इंप्लीमेंटेड टच कंट्रोल्स भी देखने को मिलते हैं और जो इसकी साउंड है वो डिसेंट है बट मुझे लगता है कि जो इसका लेटेंसी वाला इशू है दैट कुड बी अ बिग डील ब्रेकअप फॉर अ लॉर्ड ऑफ यू आउट देयर स्पेशली अगर आप बहुत ज़्यादा वीडियोज़ देखते हो या मूवीज देखते हो और माइक्रोफोन क्वालिटी भी एवरेज है अगेन इट विल नॉट बी आइडियल अगर आप बहुत ज़्यादा कॉल्स लेते हो On the other hand, अगर आप सिर्फ इसको music listening के लिए ले रहे हो या workout के लिए ले रहे हो, you can consider this. Otherwise, I would say you should consider other options at this price point. So yes, guys, this was my quick review of the Noise PS 103 wireless earbuds. अगर आप ये लेने का सोच रहे हो, मैं link description में डाल दूँगा. आई विल रियली अप्रिशिएट अगर आप उस लिंक से लो बिकॉज थोड़ा सा कमीशन मुझे मिल जाएगा दैट विल हेल्प मी सपोर्ट दिस चैनल एंड मेक ऑल सम सच वीडियोज फॉर यू गाइज इन द फ्यूचर एज वेल और अगर आपको ऐसे वीडियोज़ और देखनी है सब्सक्राइब टू टी इनट एंड स्पेशली ही दै बेल एकन सो दैट यू आर द फर्स्ट वन वैन एवर आई अपलोड अ न्यू वीडियो एवरी वीक सो या यू कैन ऑल्सो मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम और ट्विटर आई लीव द हैंडल्स हेयर एंड यू नो दैट विल कीप आरकिंग विल सी यू इन द नेक्स्ट वन